हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस स्टूडियो में बात करने वाले हैं ICFAI यूनिवर्सिटी देहरादून 2021 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। जी हाँ गाइस, ICFAI यूनिवर्सिटी देहरादून का जो 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। किस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर इनकेस कोई भी नया अपडेट या नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आप लोगों को नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के प्रोसेस को। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सिंपली डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखा देगा, उस लिंक पर क्लिक करना तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइस, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, किस प्रोग्राम के लिए आप जो अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद गाइस, आप लोगों को यहाँ पे आपकी जो पर्सनल डिटेल्स फिल करने के लिए आपका नाम एंटर कर देना होगा, आधार कार्ड नंबर एंटर कर देना है, आपके गाइस पेरेंट्स का जो है, आप लोगों को यहाँ पे जो है पेरेंट्स का नाम आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। कैटेगरी गाइस, आप लोगों को अपनी जो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद गाइस, आप लोगों को यहाँ पे जो आपका बर्थ डेट एंटर कर देना है, मंथ डेट, देन आपको यहाँ पे ईयर एंटर कर देना होगा, आपका जो कंप्लीट एड्रेस एंटर कर देना है, आपको आपके जो ईमेल आईडी गाइस यहाँ पे आप लोगों को अपने जो ईमेल एड्रेस जो आपको एंटर कर देना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप लोगों को जो यहाँ पे मैंने जो अपना ईमेल एड्रेस एंटर करके बताया, लेकिन आपको अपना वैलिड ईमेल एड्रेस एंटर करना होगा। जिस सिटी से बिलोंग करते हैं सिटी एंटर कर देनी है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर आपको पुट कर देना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना होगा, तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेता हूँ, पिन कोड एंटर कर देना है। अब इसके बाद गाइस, आप लोगों को एकेडमिक डिटेल्स यानी कि आपका जो है एजुकेशन डिटेल्स यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे कि गाइस, आपका स्कूल का नाम क्या हुआ आपका एंटर कर देना होगा, यहाँ पे 12th के स्कूल का नाम, ग्रेजुएशन के स्कूल का नाम और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्कूल का नाम, सिटी के आपके यहाँ पे 10th स्कूल आपके यहाँ से पास हो गया, उसकी सिटी 12th की, ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की, देन बोर्ड या यूनिवर्सिटी क्या था, जो भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने किया होगा वो बोर्ड या यूनिवर्सिटी आपको सिंपली यहाँ पे जो है एंटर कर देना होगा, सेम 10th 12th और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। फिर आपका ग्रुप क्या था, जो भी आपका ग्रुप रहा होगा वो ग्रुप आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा, सेम 10th के लिए भी, 12th के लिए भी, ग्रेजुएशन एज वेल एज फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या था, इंग्लिश था, जो भी इंस्ट्रक्शन था मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको जो भी था वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा। ईयर ऑफ पासिंग गाइस आपका क्या था, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन में 2020 डाल देता हूँ, देन उसके बाद ग्रेजुएशन 3 साल पहले मैं एंटर कर देता हूँ 2017, देन 12th यहाँ पे 2015 और उसके गाइस यहाँ पे 2 साल पहले यहाँ पे जो है मैं अपना 10th एंटर कर देता हूँ 2013। यहाँ पे गाइस CGPA या परसेंटेज में आपका जो भी गाइस आपका परसेंटेज रहा होगा वो आपको सिंपली यहाँ पे एंटर कर देना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको जो पूरा ऑप्शन दे दिया गया, सिंपली आपको डायरेक्टली जो ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपको अपना परसेंटेज जो है CGPA या परसेंटेज जो भी आपका रहा होगा वो एंटर कर देना है। देन गाइस यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट, जो लास्ट इंस्टीट्यूट आपने अटेंड किया था उसका नाम, उसका जो है कंप्लीट एड्रेस हो गया, किस सिटी में इंस्टीट्यूट था वो सिटी आपको एंटर कर देना होगा, स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा आप लोगों को, और यहाँ पे जो है पिन कोड आपको सिंपली एंटर कर देना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको अवार्ड और रिकॉग्नाइजेशन या फिर एकेडमिक्स में स्पोर्ट्स में मिलेंगे वो एंटर कर देना होगा। अब गाइस आपको सोर्स यहाँ की किस सोर्स के थ्रू आपको जो है सीनियर सिटी के बारे में पता चला है तो यहाँ पे आपको एंटर कर देना होगा, सोशल मीडिया वेबसाइट या जहाँ से भी आपको पता चला आपको सिंपली जो है वो सेलेक्ट कर लेना होगा। डोमिसाइल स्टेटस आपके पास है नहीं उत्तराखंड का, आपको वो एंटर कर देना होगा, और उसके साथ साथ गाइस आपका जो फैमिली बैकग्राउंड क्या, आपको फैमिली बैकग्राउंड यहाँ पे सेलेक्ट करने लगे, आपके कितने नंबर्स ऑफ ब्रदर्स है 1 या 2, नंबर ऑफ सिस्टर्स कितने हैं आपके। फिर उसी के साथ साथ गाइस आपके जो फैमिली मेंबर, कोई भी फैमिली मेंबर जो आपका ICFAI में गाइस यहाँ पे जो है पहले पढ़ा हुआ है या उन्होंने आपको सिंपली आंसर दे देना होगा। फिर यहाँ पे पेरेंट्स की बात आती है तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को यहाँ पे जो आपके मदर यानी कि माता जी का नाम एंटर कर देना होगा, देन उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम एंटर कर देना है, माता जी की क्वालिफिकेशन जो भी क्वालिफिकेशन है गाइस वो क्वालिफिकेशन आपको एंटर कर देनी है, आपकी जो भी फादर की जो क्वालिफिकेशन है वो ऐड करनी होगी, मदर की जो मंथली एनुअल इनकम है गाइस आपकी वो एंटर कर देना होगा, फादर की जो एनुअल इनकम है वो आपको यहाँ पे जो है एंटर कर देनी होगी, और फिर सिंपली आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। अब गाइस जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सबमिट पे क्लिक करते ही गाइस आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो है सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना तो सिंपली चूज फाइल पे क्लिक करना होगा, जिस भी लोकेशन में आपका फोटोग्राफ है सिंपली वो सेलेक्ट कर लेना है, फोटोग्राफ सेलेक्ट करना होगा और आपका फोटोग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। अगेन डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे गाइस आप इतना करेंगे गाइस तो इतना करने के बाद आप लोगों का एप्लीकेशन जो सबमिट हो जाएगा और आप लोगों को जो गाइस 500 रुपीज़ आपके अप्लाइंग चार्जेस है वो पे करने होंगे, और वो पे करने के बाद गाइस आप लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म आसानी से फिल होकर सबमिट हो जाएगा। सो गाइस
आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल नॉलेजेबल रहा होगा। और अगर वीडियो से आप लोगों की हेल्प हुई, वीडियो आप लोगों को पसंद आया, वीडियो के माध्यम से आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में मदद मिली हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए।